नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और एलएच की नोट के जो डिस्कशन है उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे ड्रंकर्ड्स के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो एलएच की नोट में डिस्क्राइब की गए हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अमंग ऑल दीज मेडिसिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी अबाउट द हेडेक। अगर किसी पेशेंट को सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और स्पेशली द पेशेंट इज ड्रंकर्ड्स वन, यू मस्ट रिमेम्बर द मेडिसिन एगेरिकस। अ ड्रंकर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, देन द मेडिसिन इज एपिस। वोमिटिंग, इफ अ ड्रंकर्ड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वोमिटिंग, देन यू कैन थिंक अबाउट कार्बोलिक एसिड। कंप्लेन्ट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकर्ड्स, द मेडिसिन इज बराइटा कार्ब। कंप्लेन ऑफ ड्रंकर्ड्स आफ्टर एब्सटेनिंग मीन्स, अगर कोई कोई पीने वाला पर्सन है और उसने क्या किया, उसने अल्कोहल को छोड़ दिया, क्विट कर दिया, विड्रॉल कर लिया, तो अब इसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन कैल्केविया आस। डिजीजेज पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, द मेडिसिन इज कॉकुलस। आफ्टर आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकर्ड्स, मतलब अगर किसी पेशेंट को एसाइटिस हुआ है और उसको आपने केस को रिपर्टाइज करके और ऑल सिम्टम्स को कंसीडर करके आपने आर्सेनिक दिया है, बट आर्सेनिक हैव डन नॉट वेरी मच प्रोग्रेस इन पेशेंट, और यू कैन से कि उससे कुछ बहुत तो आराम हुआ लेकिन पूरी तरह से पेशेंट ठीक नहीं हुआ, देन यू हैव टू थिंक अबाउट मेडिसिन फ्लोरिक एसिड। नॉक्स एंड ऑपियम इन हिमोप्टाइसिस ऑफ ड्रंकर्ड्स, अगर किसी पेशेंट को हिमोप्टाइसिस हो रहा है तो आप वहां पर नक्स और ऑपियम के बारे में सोच सकते हैं। ड्रंकर्ड्स विथ कंजेस्टिव हेडक एंड हिमोरॉइड्स, अगर ड्रंकर्ड्स है उसको कंजेस्टिव हेडक भी रहता है और साथ में हिमोराइड्स भी है, द मेडिसिन इज लैकेसिस। क्रोनिक एल्कोहलिज, ड्रॉप्सी एंड अदर एलिमेंट ऑफ ड्रंकर्ड्स, ड्रॉप्सी भी हो सकता है या कोई अदर एलिमेंट्स हो सकता है, स्पेशली इन पर्सन ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज। क्रोनिक एल्कोहलिज मतलब सालों से वो शराब लेते चले आए हैं। कुछ लोग नहीं कहते कि हम लोग पिछले 10 साल से पी रहे हैं, 15 साल से पी रहे हैं, द पर्सन इज ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिक और उसको कोई ड्रॉप्सी या किसी भी अदर तरह की कोई कंप्लेन डेवलप हुई है, देन मेडिसिन सल्फर। इंटरनल ट्रेम्बलिंग ऑफ ड्रंकर्ड्स, अगर ड्रंकर्ड्स में इंटरनल ट्रेम्बलिंग हो रहे हैं, इंटरनल ट्रेम्बलिंग मतलब कि पेशेंट को ट्रेम्बलिंग अंदर से फील हो रही, बट एक्सटर्नली यू और अदर पर्सन विल नॉट एबल टू फाइंड दैट द पर्सन इज हैविंग ट्रेम्बलिंग, मतलब पेशेंट को अंदर से तो कप कपी महसूस हो रही लेकिन बाहर से जो देख रहा वो उसको नहीं समझ पाएगा कि इसको ट्रेम्बलिंग हो रही है। तो दीज आर द फ्यू मेडिसिन ऑफ ड्रंकर्ड्स, लेट्स रिवाइज वन बाय वन। हेडेक अगर हो रहा है ड्रंकर्ड्स पेशेंट को, देन मेडिसिन एगेरिकस। अगर उसको डायरिया हुआ है, देन मेडिसिन एबिस। अगर वोमिटिंग हो रहा है, मेडिसिन कार्बोलिक एसिड। कंप्लेन ऑफ कोल्ड ड्रंकर्ड्स, केवल ऐसा लिखा हुआ है और देर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन कि किस टाइप की कंप्लेन होगी, तो कंप्लेन ऑफ कोल्ड ड्रंकर्ड, द मेडिसिन इज बराइटा कार्ब। कंप्लेन ऑफ ड्रंकर्ड्स आफ्टर एब्सटेनिंग, अगर किसी ने छोड़ दिया है शराब को उसके बाद उसको कोई कंप्लेन होती है, देन मेडिसिन कैल्केरिया आर्स। डिजीजेज पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, ऐसी कुछ डिजीजेज होती हैं जो ड्रंकर्ड्स को ही होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लीवर का कंप्लेन होता है तो जनरली दिस इज द इंडिकेशन कि पेशेंट में हैव द हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, क्योंकि एल्कोहल लीवर को बहुत डैमेज करता है। तो डिजीजेज पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, द मेडिसिन इज कॉकुलस। आफ्टर आर्सेनिक इन एसाइटिस ऑफ ड्रंकर्ड्स, एसाइटिस के पेशेंट को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब की गई और उसके बाद में उसको आप फ्लोरिक एसिड के बारे में देख सकते हैं, इफ सिम्टम्स एग्री देन ओनली यू कैन प्रिस्क्राइब इट। इन कंडीशन ऑफ हीमोप्टाइसिस ऑफ ड्रंकर्ड, द मेडिसिन इज नट्स एंड ओपियम। अगर ड्रंकर्ड्स को कंजेस्टिव हेडक हो रहा है और उसके साथ में उसको हिमोराइड्स भी है, देन मेडिसिन आपका हो जाएगा लैकेसिस। क्रोनिक एल्कोहलिज्म में और क्रोनिक एल्कोहलिज पेशेंट को क्या हुआ है, ड्रॉप्सी डेवलप हुआ है या उसको और भी किसी तरह का कंप्लेन डेवलप हुआ है, द मेडिसिन इज सल्फर। इंटरनल ट्रेम्बलिंग ऑफ ड्रंकर्ड्स, द मेडिसिन इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।